हेलो एवरीवन, अगर आप भी डिलीशियस चोकोलावा केक घर पर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखें। अब देख सकते हैं कितना परफेक्ट चोकोलावा केक बना है। तो चलिए चोकोलावा केक बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। तो चोकोलावा केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको डबल बॉयलर में चॉकलेट को मेल्ट करना है। आपको डेरी मिल्क चॉकलेट लेना है, 10 रुपीस वाले 2 चॉकलेट इनफ हैं एक चोकोलावा केक बनाने के लिए। तो 2 चॉकलेट मैंने स्मॉल पीसेस में कट करके डबल बॉयलर में मेल्ट कर रही हूँ। अब हम 2 स्पून मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क की क्वांटिटी आप परफेक्ट रखें, 2 डेरी मिल्क चॉकलेट में 2 स्पून मिल्क सफिशियंट है। अगर आप ज़्यादा मिल्क ऐड कर देंगे तो चॉकलेट बहुत लिक्विड हो जाएगी और चोकोलावा केक बनने से पहले ही चॉकलेट बाहर निकल आएगी। इसीलिए 2 स्पून मिल्क डालने के बाद आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है। इतनी कंसिस्टेंसी चोकोलावा केक बनाने के लिए ज़रूरी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए केक बनाने की तैयारी करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने ओरियो बिस्किट लिए हैं, 10 रुपीस वाले 2 पैकेट लिए हैं। टोटल 10 ओरियो बिस्किट लिए हैं। अगर आप ज़्यादा चोकोलावा केक बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। अब इन बिस्किट को ओपन करके इनकी सेंटर की क्रीम को सेपरेट कर देना है। क्रीम सेपरेट हो चुकी है। अब इन सारे बिस्किट को एक ग्राइंडिंग जार में डालकर इनका फाइन पाउडर बना लेंगे। अब हमें एक बोल लेना है, ग्राइंड किया हुआ बिस्किट पाउडर डाल देना है। इसके बाद हमें दूध को ल्यूकवॉर्म कर लेना है। न दूध ज़्यादा गर्म यूज़ करना है, न ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो अभी मैंने 1 कप मिल्क लिया है। आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग मिल्क ऐड होता है। अभी मैंने 1/2 कप ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 5 मिनट आप देख सकते हैं बैटर बहुत थिक हो चुका है। अगेन हम मिल्क ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। टोटल 3/4 कप मिल्क यूज़ हुआ है। तो जब तक ये मिक्स हो रहा है मैंने शुगर पाउडर बना लिया है। आप शुगर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं 1.5 टीस्पून शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। शुगर पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का आपको बैटर बनाना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होने के बाद लास्ट में हम बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर इस टाइप के पैकिंग में मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है।
दो ओरियो बिस्किट के पैकेट में अप्रॉक्स हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम, मींस हाफ टी स्पून को लेवल करके मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है और बेकिंग सोडा दो पिंच ऐड होनी है। अगर आप स्पून से बेकिंग सोडा मेज़र कर रहे हैं तो 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करनी है। अब इन दोनों को बैटर में अच्छे से मिक्स कर देना है। बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद 5 मिनट तक कंटिन्यू मिक्स करते रहना है, जब तक कि बैटर में बबल्स ना दिखने लगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स होने के बाद फ्लेवर के लिए हम लास्ट में एसेंस यूज़ करेंगे। एसेंस यूज़ करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं आज चॉकलेट एसेंस 1/8 टीस्पून ऐड करूँगी, मतलब 3/4 ड्रॉप्स ही ऐड करनी है। आप इसकी जगह वेनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को 5 मिनट तक मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है केक बनाने के लिए। चोकोलावा केक बनाने के लिए मैंने एक कप लिया है, आप घर का कोई भी कप यूज़ कर सकते हैं, सिरेमिक के जो भी कप आते हैं। चोकोलावा केक इन कप्स में बहुत ईजली बेक हो जाता है। तो हमने जो केक का बैटर बनाया है उसको सबसे पहले कप में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस कप को हाफ फिल करना है। इसके बाद जो हमने चॉकलेट मेल्ट की थी, आप देख सकते हैं 5 मिनट रखने के बाद थोड़ी थिक हो चुकी है। इस चॉकलेट को हम केक के सेंटर में डाल देंगे। तो आपको केयरफुली डालना है, फिंगर की हेल्प से डालना है, ताकि ये चॉकलेट सेंटर में ही जाए, साइड में बिल्कुल ना जाए। सेंटर में चॉकलेट डालने के बाद केक के बैटर को अगेन फिल करना है, जिससे कि ये चॉकलेट अच्छे से कवर हो जाए। मैंने ऊपर से 1 स्पून केक बैटर और डाल दिया है और चॉकलेट को अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। अब हमारा बेस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब बेक कैसे करना है ये मैं बता देती हूँ। इसके लिए आपको एक कुकर में ग्रिल डाल देनी है और सॉल्ट डालना है। ये वही सॉल्ट है जो मैंने केक बनाने में यूज़ किया था, इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो ग्रिल के ऊपर आपको एक प्लेट रख देनी है और इस कुकर को प्रीहीट करना है फॉर 5 मिनट। अब हम इसके ऊपर कप रख देंगे। कप रखने के बाद आपको फ्लेम मीडियम टू हाई पे सेट करना है। चोकोलावा केक लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं बनाया जाता है, नहीं तो 20 मिनट में ये बेक नहीं हो पाएगा। और इसका लावा अगर आप ज़्यादा बेक करेंगे तो अंदर सूखने लगेगा, और अगर कम बेक करेंगे तो केक कच्चा लगेगा। इसीलिए फ्लेम आपको मीडियम टू हाई के बीच में सेट करना है और कुकर का जो ढक्कन है उसमें से विसिल निकाल देनी है। उसके बाद अच्छे से कवर करके 20 मिनट तक इसको बेक करना है। आफ्टर 20 मिनट हम ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे कि केक प्रॉपर बन गया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं केक प्रॉपर फूल गया है, कप के एजेस तक आ गया है। हम स्टिक डालकर एक बार चेक कर लेंगे। तो 20 मिनट या
आपको टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। ये टोटली कप की साइज़ पर डिपेंड करता है, जिस टाइप का आप कप ले रहे हैं। तो आफ्टर 20 मिनट मेरा केक बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम केक को केयरफुली कुकर से बाहर निकाल लेंगे। कप बहुत गर्म है, इसीलिए आप इसे केयरफुली निकालें। वाओ, आवर डिलीशियस चोकोलावा केक इज रेडी टू सर्व। तो चलिए इस केक को मैं कट करके भी दिखा देती हूँ। वाओ, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट लावा बनकर बाहर आया है और केक भी अच्छे से बेक हो चुका है। आप भी इन सारी टिप्स को फॉलो करते हुए चोकोलावा केक घर पे बना सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Also press bell icon for latest video notifications. आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं और सीख सकते हैं। So have a look on my channel. Thank you.